190 रन का पीछा करते हुए अगर कोई बल्लेबाज कप्तान को ये विश्वास दिलाए कि चिंता नहीं मैं हूँ ना, तो वो कप्तान बिल्कुल चिल मूड के साथ मुकाबले में मौजूद रह सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या के साथ। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले को आखिरी पलों में गुजरात ने जीत लिया है। इस जीत के साथ आईपीएल सीजन 2022 में गुजरात की टीम ने तीसरी जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पंड्या ने शुभमन गिल, राहुल तेवतिया की तारीफ की है। हार्दिक ने कहा कि शुभमन की बल्लेबाजी आपको ये विश्वास देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं हार्दिक ने राहुल तेवतिया को मैच फिनिश करने के लिए सैल्यूट किया। मैच के बाद हार्दिक ने कहा, जिस तरह से मुकाबले इधर उधर होते हैं मुझे लगता है कि उसका आदि हो चुका हूँ। मैं तेवतिया को इस शानदार पारी के लिए सलाम करता हूँ। तेवतिया ही नहीं, गिल भी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो लाजवाब है। वो लगातार अपनी पारी से ऐसा जता रहे हैं कि चिंता मत करो मैं हूं ना। हार्दिक ने आगे पंजाब की हार पर कहा, जिस तरह से पंजाब ने ये मैच बनाया ये उनका गेम था। जिस तरीके से वो आखिरी गेंद पर हारे हैं मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हार्दिक ने आगे अपने शरीर पर कहा, यह सच है कि 4 ओवर के स्पेल करने के बाद मेरा शरीर थक रहा है। हालांकि जैसे जैसे मैं खेलता जाऊंगा ये समस्या ठीक होती जाएगी। इस शानदार जीत के बाद गुजरात के स्टार राहुल तेवतिया ने कहा, जब आप इस तरह से मुकाबले जीतते हैं तो काफी अच्छा लगता है। उस पल में मेरे पास ज्यादा कुछ सोचने के लिए नहीं था, लेकिन मैं और डेविड यही सोच रहे थे कि हमें सिक्सर लगाना है। स्मिथ ने पहली गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर फेंका था, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान किया था कि मुझे कुछ वैसा ही शॉट लगाना है। इस हार के बाद पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने कहा, हाँ ये एक मुश्किल मैच था, लेकिन हमारी टीम ने बढ़िया संघर्ष किया। हमें नहीं लगा कि पहली पारी में स्कोर तक हम पहुंच पाएंगे। हालांकि हम 5-7 रन पीछे रह गए। रबाडा और अर्शदीप ने बढ़िया गेंदबाजी की। आखिरी ओवर स्मिथ ने किया और हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। क्रिकेट में ऐसे पल अक्सर आते हैं और आखिरी ओवर में गेम ऐसा हो तो ये कभी भी किसी के भी पक्ष में जा सकता है। इस जीत के साथ गुजरात की टीम के 6 पॉइंट्स हो गए हैं और वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गई है। वहीं पंजाब की टीम के 4 मैच में 2 जीत के साथ अभी सिर्फ 4 पॉइंट्स ही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।